कमाई छे जन बन खटे छे तो हम खाइबू छे आब अखन तक व्यवस्था नहीं कतौ काम धंधा नहीं लगे छे लॉकडाउन हुई कत से खेते बाल बच्चा चार गो बाल बच्चा हल रहे गाड़ी घोड़ा ने खटे छे एम की चोटी लोग गहूम कटलक से गिरह तार अपने कटलक ककरो ने काटा दल के गरीब के गरीब कथी से खेते गरीब तो मरले मरल है खान जाओ जस्तो सारो फले तो खा बहनी पर अवस्था तो चाहिए त्यही त अब समयले त कटाउनै पर्यो हालत यस्तो छ अब के गर्नु अब मजबुत भए त त्यो कुरा आउने थिएन देवनारायण सर एहि समाजमे कोनो चिज टुटी फुटी है अगिला दिन देवे केलकै सहयोग केलकै दाहर बटलकै जल फुटल जकरा नगिरता नहि है पान है एकरा सबके लागि अखन देवनारायण सर फेर आयल है जे नगर पालिका से जे राहत से मिललै राहत वाला कते अन्य काम से बाहर गेल छल नाम छूट गेल कते के नगिरता ने कारण से उहो राहत में छूट गेल नगिरता न मरले छल ओ कारण से लगभग कनी मनी सही सही गो के हमरा पांच टोला में मुसर बस्ती में छूट गेल छले सर सर्वाइव के जे घटी छले तेकरा सब के बटल के क्यों भूखल नहीं रहे के चाही विपन्न दलित समुदाय बस्ती में समुदाय के आदमी सब की करे छै तो जे कमाई है एक साँझ दिन में काम कलक रात में खेलक ओहन ओहन आदमी सब की भेले कि काम बंद भेला के कारण से एकदम नहीं निमन प्रभाव पड़ल वही के लक की है कि कोनो भी किस्म के राहत वितरण सब कोनो संस्था सब जेना राहत वितरण क के चाही एले के समुदाय सब के परिवार के जे अभी तक जीवन के जीवन चल अभी तक अवस्था सुधार के लागे राहत वितरण के प्रयास से एकदम करना जरूरी है ना वही सब पहले की भेले कि मतलब मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट से इस समुदाय में कुछ राहत वितरण कैले छे दू तीन पटक वही के लग की भेले कि मतलब जहन इले के आदमी सब के ये एहसास भेले है कि हाँ हमरो सब के कोई हेल्प करा वाला आइले है कहीं के मतलब टाइम टाइम अनुसार से जेन टाइम में मतलब आदमी के आवश्यकता कौन किस्म के आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरा कर के लागे सही इले आदमी सब के राहत वितरण दिल के जब तब जाके एहसास भेले है आदमी सब के जहन महसूस हो कि हाँ वास्तव में आप शायद हम सब भूखले नहीं मर वाला छी शायद हमरा सब के हेल्प करा वाला कोई आयल है तेना बुझा रहा है अब अगाड़ी अवस्था अगाड़ी जाके संस्था सब एहने हेल्प करते रहो ताकि इलाका आदमी सब के मतलब कोनो भी किस्म के कोरोना के कारण से भूखमरी के समस्या नहीं होस वही के लग एहने अगाड़ी हेल्प करते रहो से हम मिथिला वाइट ट्रस्ट के साथी और सबसे लॉकडाउन भी रहते सब बैठले रहे दो गोटा ने काम लागल तक नहीं काम लागल तो नहीं आइयो तीन चारि दिन पानी सब बैठले तो बंदी भी लेते तो खाए के समस्या तो होइए गेल बाबा छी छै रोटी पकबै छी नून दर बाल बच्चा के खिए lockdown time we could support the poor family who were not having food items in their houses they also did not receive from the local government so we were the only one hope untouchable and one of most marginalized communities like Musar, Dom, Das and Mahra were most affected community because of this lockdown traditionally they are the community who work in daytime to earn food for night and that is why they didn't have any stock of food item in their home because this lockdown affected their working area they were not allowed to go outside of their home to work in daytime most of this caste started starving and skipping food once in a day so that they can
save some food for next day. Government of Nepal provided and announced and provided relief material to such caste. Unfortunately, they were asked to furnish citizenship certificate to get this relief material. Actually, this caste are one of the most uneducated and unaware community who don't know the importance of citizenship certificate. So most of them are not having citizenship certificate here, and that is why they were not qualified for the food relief material from government of Nepal. In such condition, they were not having any choice. They had to wait for external sources who doesn't require their citizenship certificate to provide and to help with food relief materials. Luckily, we Mithila Wildlife Trust were privileged to get support from Chora Chori UK, and through last night a DJ saved my life, we received a lot of support to provide food materials for such families. We are thankful and grateful to Chora Chori UK and Last Night a DJ Saved My Life campaign and all their donors and supporters who supported us with around 1,200 packets of food relief materials, which helped us to provide food materials for at least 10,000 individuals from these marginalized communities. Thank you once again to all the donors and supporters.